हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रुइंस मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक गुफा में फंसी हुई थी, और क्योंकि उसके मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं था तो वो किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला सकती थी। तभी कोई अंधेरे में उसे घसीट कर अपने साथ ले जाता है। सीन कट होकर हम दो कपल्स को देखते हैं, जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी, जो मेक्सिको अपनी छुट्टियां बिताने आए थे, जहां उनकी मुलाकात होती है मैटियस नाम के एक शख्स से जो अपने भाई को यहाँ ढूंढते हुए आया था। वो उन्हें बताता है कि उसका भाई एक आर्कियोलॉजिस्ट था जो अपने पार्टनर के साथ यहाँ के पुराने मंदिर में उसके बारे में रिसर्च करने आया था, क्योंकि उसका मानना था कि वो मंदिर मायावी है। मैटियस की बातें सुनकर वो चारों उस मंदिर को देखने के लिए काफी एक्साइट हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी रात एक होटल में गुजार कर अगली सुबह उस मंदिर की तरफ निकल पड़ते है। घने जंगल और मुश्किलों को पार करके आखिरकार वो सब उस टेम्पल के पास आ जाते है, जहाँ वहाँ के कुछ गाँव वाले यहाँ आने के लिए उन पर गुस्सा हो रहे थे। हालांकि उन सबको उन गांव वालों की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। यहाँ एमी उन गांव वालों की तस्वीर लेने लगती है, जिस चक्कर में गलती से उसका पाव पीछे मौजूद पौधों पर पड़ता है, जिसे देखकर वो गांव वाले और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। मैटियस के दोस्त को लगता है कि शायद उनकी तस्वीरें लेने की वजह से वो लोग उन पर गुस्सा हुए है, इसलिए वो एमी के हाथ से कैमरा लेकर उनकी तरफ बढ़ता है, पर गांव वाले मैटियस के दोस्त को बड़ी बेरहमी से मार देते है। ये मंजर देखकर सभी अपनी जान बचाने के लिए मायावी मंदिर के छोर पर आ जाते हैं। वो सब देखते हैं कि गांव वालों ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया है, इसलिए वो सब उनसे बचने के लिए वहीं पर रहने का फैसला करते हैं। मैटियस वहां अपने भाई को ढूंढने लगता है, पर उसे अपना भाई कहीं भी नहीं मिलता, जिसके बाद उन सब की नजर एक गड्ढे पर जाती है जो असल में मंदिर के अंदर जाने का रास्ता था, और अंदर जाने के लिए उन्हें रस्सी के सहारे अंदर जाना होगा। अब ये लोग देखते हैं कि वहां मौजूद किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं है। वो समझ चुके थे कि वो लोग यहां बुरी तरह फंस गए। कुछ वक्त बाद वो सब सुनते हैं कि उस मंदिर के अंदर से फोन के रिंगटोन की आवाज आ रही है। मैटियस उस रिंगटोन को पहचान लेता है, क्योंकि वो रिंगटोन उसके भाई की थी, इसलिए मैटियस उन लोगों की मदद से अपने भाई को लेने मंदिर के अंदर जाने लगता है। पर क्योंकि वो रस्सी मैटियस का वजन झेल नहीं पाती, तो रस्सी टूटने की वजह से मैटियस काफी ऊंचाई से सीधे मंदिर के अंदर गिर जाता है, जिसे देखकर अब सब और भी ज्यादा डर चुके थे। जेफ लड़कियों से कहता है कि तुम दोनों में से किसी एक को नीचे जाकर मैटियस की मदद करनी होगी, क्योंकि वो रस्सी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो लड़कों का वजन उठा पाए। इसलिए ना चाहते हुए भी स्टेसी अंदर जाने के लिए मान जाती है, और बची हुई रस्सी के सहारे वो लोग स्टेसी को अंदर भेजते हैं। पर क्योंकि रस्सी मंदिर के तल तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए स्टेसी वहां से नीचे कूद जाती है, जहां कूदने की वजह से वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। स्टेसी देखती है कि मैटियस की हालत काफी बुरी है, और रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा है। जेफ एमी से कहता है कि अब तुम्हें ही उन दोनों की मदद करनी होगी, पर एमी अंदर जाने के ख्याल से ही काफी डर चुकी थी, इसलिए वो मदद मांगने नीचे उतरकर गांव वालों के पास आती है, जिसके पीछे जेफ भी आ जाता है। पर वो दोनों समझ चुके थे कि ये गांव वाले उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए गुस्से में एमी वहां के पौधे उखाड़ कर गांव वालों के तरफ फेंकती है, जो एक छोटे बच्चे को जाकर लगते है, जिसके बाद वो गांव वाले उस बच्चे को भी मार देते है। डरे हुए जेफ और एमी भागते हुए मंदिर के ऊपर आते है, और पड़े सामान की मदद से एक स्ट्रेचर बनाते हैं, ताकि एमी मैटियस और स्टेसी को ऊपर ला सके। नीचे पहुंचकर एमी और स्टेसी मैटियस को उठाकर स्ट्रेचर पर रखते हैं, और जैसे तैसे उसे ऊपर लाते हैं। यहाँ जेफ और एरिक फैसला करते हैं कि रात में वो दोनों बारी बारी पहरा देंगे, और यहाँ एमी, स्टेसी और मैटियस आराम करते हैं, और सभी किसी तरह अपनी वो रात वहीं पर गुजारते हैं। सुबह होते ही स्टेसी देखती है कि उसके पैरों को उन पौधों ने जकड़ा हुआ है, और उसके घाव के अंदर तक चले गए हैं। जेफ डरी हुई स्टेसी की मदद करता है, और उन पौधों को स्टेसी के घाव से बाहर निकालता है। यहाँ मैटियस को भी अपने पैरों पर कुछ महसूस हो रहा था, इसलिए वो एमी को ब्लैंकेट हटाने के लिए कहता है, और जैसे ही वो ब्लैंकेट हटाती है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि उन पौधों ने मैटियस के पैरों को भी जकड़ा हुआ था, जिन्होंने उसके पैर के मांस को खाना शुरू कर दिया था। जेफ फौरन उन पौधों को मैटियस के पैरों से अलग करने लगता है, तभी उन्हें फिर से मंदिर के अंदर से फोन की रिंगटोन सुनाई देती है, और इस बार जेफ फिर से एक बार स्टेसी और एमी को अंदर जाने के लिए कहता है, क्योंकि नीचे मौजूद फोन ही उनकी
की यहाँ से निकलने की आखिरी उम्मीद है। स्टेसी और एमी एक के बाद एक नीचे आकर फोन के रिंगटोन की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ उन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है और ये वही लड़की थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो लोग उस लाश के हाथ से फोन लेते हैं पर वो फोन पूरी तरह टूट चुका था। तभी वो दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं कि फोन के रिंगटोन की आवाज असल में अंदर उगे हुए मायावी फूल निकाल रहे थे। जैसे ही एमी उस फूल को छूने जाती है, वहाँ मौजूद पौधे उन दोनों पर हमला कर देते हैं। दोनों की चीखे सुनकर जेफ और एरिक फौरन उन दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। अब स्टेसी और एमी काफी बुरी तरह डर चुके थे और नीचे देखा हुआ वो खौफनाक मंजर जेफ और एरिक को बताते हैं, पर इस वक्त डर के मारे कोई भी सुनने और कहने की हालत में नहीं था, जिस वजह से वो एक दूसरे से ही लड़ने लगते हैं। अब वो सब बचा हुआ खाना मिल बांटकर खाने लगते हैं और यहाँ जेफ चला आता है मैटियस को देखने, क्योंकि जेफ एक मेडिकल स्टूडेंट था तो वो मैटियस के पैरों की हालत देखकर सभी से कहता है कि हमें मैटियस को बचाने के लिए उसके पैरों को काटना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो इन्फेक्शन फैलने की वजह से वो जल्दी अपना दम तोड़ देगा। इस चीज के लिए कोई भी राजी नहीं होता, पर मैटियस खुद कहता है कि वो अपने पैर कटवाने के लिए तैयार है। स्टेसी और एमी इस मंजर को देख नहीं सकते थे, इसलिए वो अपने टेंट में चले जाते हैं और यहाँ जेफ मैटियस के मुंह में एक बेल्ट देकर एक गर्म पत्थर से मार मार कर मैटियस के पैरों की हड्डियां तोड़ देता है और एरिक एक चाकू से उसके पैरों को काटकर अलग कर देता है और एक गर्म तवे से उसके पैरों की ब्लीडिंग सील कर देता है। मैटियस दर्द में इतना चिल्लाता है पर मैटियस को बचाने के लिए उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके बाद सभी के ये देखकर होश उड़ जाते हैं कि मैटियस के कटे हुए पैरों को वहाँ के जंगली पौधे अपने साथ ले जा रहे हैं। रात होती है जहाँ एरिक एमी को दुखी देखकर उसे संभालने की कोशिश करता है। तभी पीछे से स्टेसी आकर गलत फहमी की वजह से दोनों पर गुस्सा होने लगती है। वही दूसरी तरफ वो जंगली पौधे मैटियस के अंदर घुसकर उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं, पर जेफ वहाँ आकर उन पौधों को मैटियस के मुंह से बाहर निकालता है। पर बहुत देर हो चुकी थी, उन पौधों ने मैटियस की जान ले ली थी। ये सब देखकर स्टेसी कहती है कि मुझे भी अपने बॉडी के अंदर इन पौधों के होने का एहसास होता है, जैसे ये मेरे बॉडी के अंदर उग रहे हो। पर सभी उसको ये उसका वहम है कहकर सोने के लिए कहते हैं। अगली सुबह सभी देखते हैं कि वाकई में स्टेसी के बॉडी के अंदर वो जंगली पौधे हिल रहे हैं, इसलिए जेफ स्टेसी के पैर पर कट लगाकर उन पौधों को स्टेसी के अंदर से बाहर निकालता है और अभी भी स्टेसी को लग रहा था कि वो पौधे उसके दिमाग को खा रहे हैं। तभी जेफ भी स्टेसी के चेहरे के अंदर उन पौधों को हिलते हुए देखता है, पर वो ये बात स्टेसी से छुपाता है क्योंकि स्टेसी के बॉडी को अगर और काटा गया तो खून बहने की वजह से उसकी भी मौत हो सकती है। स्टेसी के दिमाग पर उन पौधों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था, इसलिए किसी को आसपास ना पाकर वो खुद अपनी बॉडी को काट कर उन पौधों को अपने अंदर से निकालने लगती है और ये सब होते हुए जेफ, एरिक और एमी अपने आंखों से देख रहे थे, इसलिए जेफ उसे रोकने जाता है पर बौखलाई हुई स्टेसी जेफ को जख्मी कर देती है, जिसके बाद एरिक भी उसे रोकने की कोशिश करता है पर स्टेसी इस बार एरिक को जान से ही मार देती है, जिसके कुछ देर बाद स्टेसी को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ आता है कि उसने अपने ही बॉयफ्रेंड को मार दिया है। दर्द में कर्राती स्टेसी एमी से अपने मौत की भीख मांगती है, इसलिए ना चाहते हुए भी जेफ स्टेसी को मार कर उसके दर्द से उसे आजाद कर देता है। अब सिर्फ जेफ और एमी ही जिंदा बचे थे और इनके पास अब बस दो ही रास्ते थे कि या तो वो यही रहकर बेमौत मारे जाए या गांव वालों से खुद को बचाकर भाग जाए। या जेफ को यहाँ से निकलने का एक आइडिया आता है, वो वहाँ पड़ा हुआ स्टेसी का खून एमी के बॉडी पर लगाकर उसे उठाकर मंदिर से नीचे लाता है और वो गांव वालों का ध्यान एमी से हटाकर अपनी तरफ खींचता है, जहाँ मौका पाकर एमी वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है पर जेफ बेचारा गांव वालों के हाथों बेमौत मारा जाता है। यहाँ एमी एक जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाती है पर आगे जाकर उसे जल्दी समझ आ जाता है कि उसके अंदर भी वो जंगली पौधे उगने लगे, यानी एमी भी अब उन पौधों से इन्फेक्ट हो चुकी थी। मतलब जो गांव वाले उन जंगली पौधों को मंदिर के इलाके तक ही सीमित रखना चाहते थे, वो पौधे अब एमी के जरिए बाहर चले गए थे, जो पता नहीं और कितने लोगों की जान ले गए। और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।